स्टूडेंट्स, दिस इज बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर सर रिजवान। आई होप आप सब ठीक हो गए। अच्छा बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है सेकेंड ईयर बायोलॉजी का, इसका नाम है सपोर्ट एंड रिपोर्ट। सही है, हमने कुछ इसके टॉपिक्स पढ़े थे, स्केलेटन और टाइप्स ऑफ स्केलेटन, बोन्स, कार्टिलेजेस का स्ट्रक्चर, डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। तो इसमें बेटा एक हमारे पास सब कुछ टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक का नाम है हमारे पास वर्टिकल कॉलम। सही है, और आज हम इस लेक्चर में वर्टिकल कॉलम का एक टॉपिक देखेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद फिर हम लोग एक टॉपिक देखेंगे रिब केज। सही है, इससे कुछ लिंक्ड करते हुए एमसीक्यूज भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या आ सकते हैं। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं, फिर हमारे पास ही अपेंडिकुलर स्केलेटन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो सेकंड डिवीजन होती है ह्यूमन एंडोस्केलेटन की। सही है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा था। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है वर्टिब्रल कॉलम। बेटा वर्टिब्रल कॉलम को हम लोग बायोलॉजी में स्पाइन भी कहते हैं, नॉट स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइन, SPINE। तो वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन का एक और नाम है स्पाइन। तो वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं रीढ़ की हड्डी, उस वो क्या प्रोटेक्ट करती है, उसके अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड। तो आप देख सकते हो कि स्पाइनल कॉर्ड की जो प्रोटेक्शन है वो जबरदस्त थी। सही, और वो प्रोटेक्टेड हुई भी किससे, वर्टिब्रल कॉलम से। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ब्रेन से निकलने वाला एक वो ट्यूब लाइक ऑर्गन जिससे बहुत सारी नर्व्स निकलती है, और वहीं से फिर हमारी बॉडी में सेंसेशंस वगैरह के मामला रिफ्लेक्सेस के होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड वर्टिब्रल कॉलम। सही, और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो बोन मैरो वहाँ पे भी ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होती है। वर्टिब्रल कॉलम में अगर मैं आपसे टोटल पूछूँ, टोटल तो आप लोग बोलोगे टोटल जो बोन्स आती हैं इसमें 33 होती है टोटल बोन्स। सही, मैंने यहाँ टी लिख दिए, टी फॉर टोटल बोन्स। लेकिन जो नजर आती है, विजिबल जो होती है, वो सिर्फ कितनी होती है, 26, 26। अब तुम बोलो ये क्या है। तो बेटा ये जो टोटल नंबर है, ये ऐसी ये जो बोन्स का है उसमें वो बोन्स आती है जिसमें सबको अलग अलग अगर हम पढ़े देखें। इसमें विजिबल का मतलब है आफ्टर फ्यूजन। मैंने आपको कहा था कुछ बोन्स हमारी फ्यूज भी होती है वक्त के साथ साथ। तो जो फ्यूजन होती है वो कुछ इस तरह होती है कि फिर हमें जो एंड जो हमें एवरेज एक वैल्यू या एक कुछ नंबर नजर आता है आफ्टर फ्यूजन ऑफ बोन्स, तो वो टोटल 33 है, और जो विजिबल है आफ्टर फ्यूजन वो 26 है। इसको किस तरह बेटा, हमारे पास जो हमारी जो नेक के पीछे जो वर्टिब्रा है, यानी कि हमारी गर्दन के पीछे जो वर्टिब्रा है, इसको हम लोग कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा। सही, और इसमें आती है 7 बोन्स। तो मैंने यहाँ लिख दिया 7 सर्वाइकल। आप इसको प्लस करते रहना मेरे साथ साथ, तो यू विल गेट द आंसर ऑफ 33। फिर हमारे जो चेस्ट के पीछे यानी कि थोरेक्स के पीछे जो वर्टिब्रा है, उसको हम लोग बायो में कहते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा। इसमें आती है आपके पास 12 बोन्स। सही, उसके बाद हमारे एब्डोमेन के पीछे जो वर्टिब्रा है उसको कहते हैं लंबर वर्टिब्रा। इसमें भी आती है 5, इसमें आती है 5 बोन्स। सही, उसके बाद फिर हमारे नीचे हिप रीजन में सेक्रम की 5 बोन्स होती है, लेकिन आफ्टर फ्यूजन आपके बुक्स में इसको 1 लिखा हुआ है, तो मैं इसको बिफोर फ्यूजन लिखता हूँ 5। और कॉक्सिस बेटा टेल बोन, जो डार्विन ने सॉरी जो एक पुराना कॉन्सेप्ट है इसको टेल बोन भी कहते हैं। तो ये आपके पास एक और बोन है हिप के रीजन में, कॉक्सिस लास्ट वर्टिब्रा है ये। ये 4 होती है बेटा, तो ये आफ्टर फ्यूजन 1 होती है, तो मैं इसको बिफोर फ्यूजन या अनफ्यूज अगर लिखूँ तो मैं इस तरह लिखूंगा। अगर आप चेक करो बेटा, 7 प्लस 12 19, 19 प्लस 5 24, 24 प्लस 5 29, 29 प्लस 4 यू विल गेट द आंसर ऑफ 33। सही, अच्छा पिक्चर भी इसकी एक दफा देख लो बेटा। जो नेक के पीछे जो वर्टिब्रा सर्वाइकल वर्टिब्रा, इसमें कोई फ्यूजन नहीं है। आप इसको एग्जैक्ट टोटल 7 कंसिडर करोगे पूरा। जैसे क्यों कंसिडर करोगे, क्योंकि आपको इसमें सारी जो बोन्स है आप देख सकते हो, आपको अलग अलग यू कैन काउंट देम इजिली। थोरेसिक वर्टिब्रा बेटा 12 होती है, तो यहाँ से ले लो वैल्यू 7, यहाँ से ले लो आप वैल्यू 12। लंबर वर्टिब्रा बेटा ये भी आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 L1 से L5, तो यहाँ से वैल्यू ले लो 5। अब सीन ये होता है बेटा, सर्वाइकल वर्टिब्रा इस तरह होता है, सॉरी आपके पास सैक्रल वर्टिब्रा इस तरह होती है कि आप देख सकते हो ये आप गिन तो सकते हो, लेकिन ये वैसे ऐसा डिस्टिंग्विशेबल नहीं जैसे वाली बोन्स है। तो ये होती तो 5 है, लेकिन इसको फ्यूज करके 1 पड़ा जाता है। सही, आफ्टर फ्यूजन 1। और ये कॉक्सिस की बेटा 4 वर्टिब्रा होती है, लेकिन आफ्टर फ्यूजन इसको 1 पड़ा जाता है। तो अगर मैं यहाँ से उठा लूँ 7, यहाँ से उठा लूँ 12, 12 प्लस 7 19,
19+5 24, 24+1 सेक्रम की 25, 1 कॉक्सेस की 26। तो इसको मैं सी एक्स कर देता हूँ ताकि कॉक्सेस में और सर्वाइकल में फर्क पता चल जाए। सी एक्स एहतियातन इसको, क्योंकि सी सी फॉर सर्वाइकल ना समझो आप। लास्ट पेपर बेटा एम्पटीट्यूड से एक सवाल आया था कि सर्वाइकल वर्टिब्रा 1 का क्या नाम है। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा 1 के एटलस नाम है, सर्वाइकल वर्टिब्रा 2 का नाम है एक्सेस। तो C1 एटलस, C2 एक्सेस। सही बेटा, आपके पास ये सीन हो गया। आपके पास पूरा लिखा हुआ भी कि ये सर्वाइकल होती है नेक के रीजन में, थोरेसिक होती है चेस्ट में, उसके बाद फिर लंबर होती है एब्डोमिनल रीजन में, उसके बाद फिर सेक्रल होती है। आपके पास फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 5 वर्टिब्रा, कॉक्सेस फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 4 वर्टिब्रा। और आपकी बुक के हिसाब से भी अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह बनी हुई। सही, कॉक्सेस का उन्होंने लिखा नहीं, इनको लिखना चाहिए था। ये चार बोन्स होती हैं, मिला के इनको फ्यूज करके एक कंसिडर किया जाता है। तो ये था हमारे टॉपिक बेटा आपके पास वर्टिब्रल कॉलम का। नेक्स्ट हमारे पास एक और टॉपिक है बच्चों, उस टॉपिक का नाम है रिब केज। तो रिब केज के हिसाब से मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ पहले। सही, आपके पास ये सामने एक रिब केज बना हुआ है बेटा। रिब केज अगर आप देखें बेटा, इसको केज क्यों कहते हैं, पिंजरा की तरह क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हमारे दो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं बच्चों। कौन कौन से? एक होता है हार्ट सेंटर में, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, और दूसरे होते हैं टू लंग्स, ऑन वन ऑन ईच साइड। तो ये दो हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स है अपार्ट फ्रॉम ब्रेन एंड लिवर। तो बात सारी है कि थोरेसिक केज इस तरह होता है ताकि इसके अंदर दो ऑर्गन जो है वो सही तरीके से प्रोटेक्शन में रहे। और रिब्स को बेटा साइंस में, रिब्स को हम लोग जो है साइंटिफिकली, या अगर आप बायोलॉजी की बात करें तो रिब्स को हम लोग, एक मिनट, रिब्स को हम लोग बेटा कॉस्टा भी कहते हैं। रिब्स का एक और नाम क्या हो गया? कॉस्टा। कार्टिलेज को कॉन्ड्रा, बोन्स को ऑस्टियो, और रिब्स को कॉस्टा। सही, हमारे पास जो रिब्स होती है बेटा वो टोटल जो होती है टाइप्स, टू टाइप्स होती है। एक होती है ट्रू रिप्स और एक होती है फॉल्स रिप्स। अक्सर बच्चे इसको थ्री टाइप्स लिख देते हैं, फ्लोटिंग रिप्स। तो बेटा ये चीज आप देख लो, अगर यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट से भी चेक करो आप, लॉजिकल बात है। तो ये आपको दो टाइप्स मिल रही है, ट्रू रिप्स और फॉल्स रिप्स। फ्लोटिंग फॉल्स की ही टाइप होती है। तो पेपर में अगर सवाल आ जाए तो आपको सिर्फ दो ही टाइप्स लिखनी है। बेटा ट्रू रिप्स और फॉल्स रिप्स के फर्क से पहले मैं आपको बता दूं, चाहे पहली रिब हो चाहे 12वीं रिब हो, यानी कि पहली से आखिरी रिब तक एक चीज कॉमन है। वो पूछो क्या है? वो ये है कि और सारी जो रिब्स है पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है, पीछे से फर्क आता है वो सामने से। सही, यानी कि ये स्टर्नम है आपके पास, जिसको हम लोग ब्रेस्ट बोन या चेस्ट बोन भी कहते हैं। पीछे वर्टिब्रल कॉलम चल रही है, दिस वन। कल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था वर्टिब्रल डिस्क, इंटर वर्टिब्रल डिस्क, ये ब्लू कलर से ही बनी हुई है। तो ट्रू रिब्स को ट्रू रिब्स क्यों कहते हैं? ट्रू रिब्स को बेटा ट्रू रिब्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो रिब्स है वो पीछे से तो अटैच्ड है, वो तो कॉमन है सब में। फर्क क्या है? फर्क आगे का है। तो फर्क आता है बेटा हमेशा इंटीरियर का, जो इन दोनों रिब्स को दो डिविजन्स में डिवाइड करता है। तो ट्रू रिब्स वो होती है बच्चों जो आगे से स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच होती है। अगर आप चेक करो रिब नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो रिब्स हैं ये वो रिब्स हैं वो जो डायरेक्टली अटैच हो रही है स्टर्नम से। और किसके जरिए से हो रही है? कार्टिलेज के जरिए से। सही, इन कार्टिलेजेस को हम लोग कॉस्टल कार्टिलेजेस कहते हैं। कॉस्टल कार्टिलेजेस क्यों? क्योंकि ये रिब से अटैच्ड है। सही, यहाँ पे एक जॉइंट भी बनता है आपके पास। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा जॉइंट्स के टॉपिक तो मैं बताऊंगा यहाँ पे कौन से जॉइंट बनते हैं, पीछे भी एक जॉइंट बनता है। जॉइंट क्या होता है? जहाँ दो बोन्स अटैच्ड होते हैं। तो बेटा टू रिब्स, व्हाई दे आर सो कॉल्ड? दे आर कॉल्ड टू रिब्स बिकॉज दे आर अटैच्ड डायरेक्टली विद द स्टर्नम। सही, ये किसी के जरिए से अटैच हो रही है। जबकि फॉल्स रिब्स का मतलब, फॉल्स रिब्स क्या है? यहाँ पे फॉल्स से मुराद, नाउजबिल्ला कोई गलत नहीं है, अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई भी चीज़ गलत नहीं बच्चों, ना हो सकती है। बहुत सारी यही फॉल्स रिब्स को साइंस में फॉल्स रिब्स क्यों कहा गया? पेयर नंबर 8, 9, 10 रिब्स जो होती हैं, अगर आप चेक करो बेटा ये डायरेक्टली अटैच है और स्टर्नम से। ये तीनों पहले एक कॉमन पॉइंट से अटैच है, फिर ये सेवन्थ रिब से अटैच है, फिर ये अटैच है इसके जरिए से, सेवन्थ रिब के जरिए से। सही है, तो आपके पास कहानी सारी ये है कि जो फॉल्स रिब्स हैं, रिब नंबर 8, 9 एंड 10, ये जो होती है वो डायरेक्टली अटैच नहीं होती है स्टर्नम से, इनडायरेक्टली अटैच होती है स्टर्नम से। मैं पेंसिल अगर किसी कंसर्न पर्सन को दूं, डायरेक्ट उसको दूं, वो डायरेक्ट काम है। मैं किसी दूसरे के जरिए से उसको दूं तो दोनों केसेस में उस कंसर्न पर्सन को पेंसिल तो मिल गई, लेकिन एक में डायरेक्ट मैकेनिज्म और एक में इनडायरेक्ट है, तो वही गेम है।
11th और 12th ribs जो कि पार्ट है फॉल्स रिब्स का, उनको फ्लोटिंग रिब्स या फ्री रिब्स क्यों कहते हैं? इनको हम लोग बायो में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनको हम लोग बायो में फ्री रिब्स भी कहते हैं। फ्री इसलिए क्योंकि बेटे पीछे से तो अटैच है जस्ट लाइक एनी अदर रिब, लेकिन ये सामने से ना डायरेक्टली अटैच है ना इनडायरेक्टली अटैच है स्टर्नम से, ये फ्री होती है फ्रंट से। ऐसा ही ये फ्रंट से आपके पास फ्री है, ठीक है? तो ये फ्रंट से आपके पास फ्री होती है, यानी कि इनका काम सिर्फ डायफ्राम के साथ ब्रीदिंग करने का होता है। तो 11th और 12th रिब्स जो है आपके पास वो फ्री है फ्रंट से, दे आर नॉट अटैच इनडायरेक्टली और डायरेक्टली विद द स्टर्नम, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फ्री रिब्स या फ्लोटिंग रिब्स। सही है, और फंक्शन उनका क्या है? दे हेल्प इन ब्रीदिंग। तो यहाँ पे आपके पास वही लिखा हुआ है, टू रिब्स बेटा, रिब नंबर 1 से 7, 8 से 12 तक सारी फॉल्स रिब्स हैं, जिसमें 8 to 10 फॉल्स हैं और 11 और 12 भी फॉल्स हैं, लेकिन उनका एक नाम है फ्लोटिंग रिब्स या फ्री रिब्स। सही है, और आपकी बुक्स में उसको लिखा हुआ है ये स्टर्नम की कुछ लेबलिंग है, दिस एरिया इज नोन एज, यहाँ पे जहाँ से ये आपके पास स्टर्नम जो है ये इसके नियर जो है आपका अलग अलग करें क्लेविकल होती है, तो स्टर्नम और क्लेविकल, क्लेविकुलर नॉच, जुगुलर नॉच, दिस वन, तो एटलीस्ट ये सब आपको भी नहीं करना, इंशाल्लाह ये सब MBBS का गेम है ये। तो आई होप आपको बेटा ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा, नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन तो उसका एक अलग से मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ बिफोर दिस वीडियो एंड्स कि रिब केजेस फॉर्म बाय रिब्स ऑफ स्टर्नम। सही है, हर एक रिब जो होती है वो फ्लैट होती है, इसको हम लोग सेमी सर्कुलर भी कहते हैं रिब्स को ना, क्योंकि वो पूरे सर्कुलर नहीं होती, सेमी सर्कुलर होती है, ये हमारी फ्लैट होती है, कर्व्ड होती है, ये हमारी थोरेसिक वॉल को सपोर्ट देती है, विसरल ऑर्गन्स इसके अंदर होते हैं, यानी कि ऑर्गन्स इसके अंदर हैं, हार्ट और लंग्स बहुत मशहूर। रिब्स आर 12 पेयर्स, 12 ऑन ईच साइड, आउट ऑफ देम फर्स्ट 7 पेयर्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स बिकॉज दे आर डायरेक्टली अटैच विद स्टर्नम बाय कार्टिलेज, पोस्टल कार्टिलेज, ट्रू रिब्स। रिमेनिंग 5 पेयर्स को हम लोग क्या कहते हैं? फॉल्स रिब्स। सही है, ड्यू टू द अटैचमेंट टू द स्टर्नम, इनडायरेक्टली लिखना भूल गया यहाँ पे। अमंग द 5 पेयर्स देयर आर द लास्ट टू पेयर्स जिनको हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स बिकॉज दीज आर नॉट एसोसिएटेड बाय मीन्स ऑफ कॉमन कोस्टल कार्टिलेज इवन अदर पेयर्स ऑफ रिब्स, किसी से भी अटैच नहीं। सही है, दे हेल्प इन ब्रीदिंग। तो बच्चों आज का लेक्चर मैं यहाँ पे डन करता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी अपेंडिकुलर स्केलेटन के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।